मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी आज मैं आपके साथ ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहता है तो। तो पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर मतलब वो फोर्स जो लगता है ब्लड को आर्टरीज में रन कराने के लिए। तो बेसिकली मसल्स के थ्रू जो भी प्रेशर लगता है ताकि ब्लड फ्लो ईजिली हो वो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी में हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ब्लड मूव करता है, तो जब भी वो प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाई बीपी, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और जब वो प्रेशर कम लगने लगता है तो हम उसको बोलते हैं लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हमें इसको मेंटेन करना होता है, और आइडियल ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज 120/80 mmHg। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो हमें ध्यान रखना है, नीचे जा रहा है तो ध्यान रखना है। तो मैं आज डाइट प्लान के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी ताकि हम घर पे एक सडन लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को कैसे थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं उसको, एंड साथ ही साथ अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हमें किस टाइप की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डाइट प्लान से। अर्ली मॉर्निंग में आपको लेना है 1 cup of cinnamon water। सिनेमिन वाटर बनाने के लिए आप 1/2 teaspoon ऑफ सिनेमिन पाउडर या 1/2 small stick ऑफ सिनेमिन यूज करोगे। उसको 5 to 10 minutes तक पानी में अच्छे से बॉईल करना है और उसको स्ट्रेन करके आपको सर्व करना है। तो सिनेमिन बेसिकली हेल्प करता है टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन योर इंसुलिन लेवल। एंड उसके 1/2 hour बाद लेना है आपको 200 ml ऑफ कोकोनट वाटर विथ 20 grams ऑफ मिक्स सीड्स। तो कोकोनट वाटर बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर में ये देखा जाता है कि सोडियम के लेवल बढ़ जाते हैं, जबकि हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना चाहिए, तभी ब्लड का जो प्रेशर है, मूवमेंट है, वो एक बैलेंस्ड वे में रहेगा। बट अगर वो सोडियम का लेवल बढ़ता जाता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी डाइट में ऐसा इंक्लूड करना चाहिए जो हाई इन पोटेशियम हो, तो सोडियम और पोटेशियम का लेवल बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इसीलिए हमने लेट मॉर्निंग में 200 ml ऑफ कोकोनट वाटर लिया जो रिच इन पोटेशियम है, और उसके साथ सीड्स ली जो रिच इन पोटेशियम है। तो यहाँ पे आप पम्पकिन सीड बेस्ट यूज कर सकते हो, सनफ्लावर, फ्लेक्स सीड, सेसमे, आप कोई भी सीड्स ले सकते हो 20 grams तक। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, जिसके day 1 में आपको लेना है 1 medium piece ऑफ वेजिटेबल उत्पम। इसको बनाने के लिए आप 40 grams ऑफ रवा यानी सूजी, 50 grams ऑफ कर्ड एंड 100 grams ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे, एंड इसके साथ सर्व करना है 20 grams ऑफ कोकोनट चटनी। day 2 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 2 medium piece ऑफ इडली विथ 150 ml ऑफ सांबर एंड 15 grams ऑफ कोकोनट चटनी। day 3 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है अनियन पराठा। अनियन पराठा बनाने के लिए आप 50 grams ऑफ अनियन एंड 30 grams ऑफ मल्टीग्रेन फ्लावर यूज करोगे, एंड इसको सर्व करना है 15 grams ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। तो ये जो भी ब्रेकफास्ट में चटनी सर्व कर रहे हैं तो मेक श्योर योर होम बेस्ड हो एंड इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी लिमिटेड हो। बट हाँ, हमें ये भी ध्यान देना है कि हम अपने डाइट से एक नॉर्मल वाइट सॉल्ट को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना, उसकी जगह बहुत लोग रिप्लेस करने लगते हैं सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट। बट अगर आप रिप्लेस कर भी रहे हो तो ये ध्यान दो कि वो पैकेट में आयोडाइज्ड लिखा है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली मोर कॉमनली वाइट सॉल्ट ही आयोडाइज्ड होता है, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक ये सब आयोडाइज्ड नहीं होते। अगर हम अपनी डाइट से वाइट सॉल्ट जो कि आयोडाइज्ड है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे, ये सोचिए कि उसमें सोडियम ज़्यादा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बीपी को इंक्रीज करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में डेली ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने आयोडीन को कम्प्लीटली हटा दिया तो उससे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आयोडीन मैक्सिमम हमें सॉल्ट में ही मिलता है, क्योंकि उसमें आयोडाइज किया जाता है, नेचुरल सोर्सेज आयोडीन के बहुत कम है। जब भी आप सॉल्ट का पैकेट पिक कर रहे हो तो ये चेक कर लो कि वो आयोडाइज है कि नहीं। day 4 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है लौकी, ओट्स, चीला। जिसको बनाने के लिए आप 100 grams ऑफ ग्रेटेड लौकी एंड 40 grams ऑफ ओट्स लोगे, एंड इसको सर्व करना है 15 grams ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। day 5 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 bowl ऑफ पावर पोहा। पावर पोहा बनाने के लिए आप 30 grams ऑफ रॉ पोहा, 30 grams ऑफ एनी लेग्यूम्स एंड 150 grams ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। day 6 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 bowl ऑफ वेजिटेबल वर्मिसली। इसको बनाने के लिए आप 30-40 grams ऑफ रॉ वर्मिसली लोगे एंड 150 grams ऑफ सीजनल वेजिटेबल। day 7 के ब्रेकफास्ट में लेना है 1 medium piece ऑफ ओट्स, स्पिनच, चीला। इसको बनाने के लिए आप 30-40 grams ऑफ ओट्स एंड 100 grams ऑफ स्पिनच प्यूरी लोगे
एंड इसके साथ सर्व करना है 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। आप चलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ, जिसमें आपको 150 ग्राम ऑफ एनी सीजनल फ्रूट लेना है एंड उसके साथ लेना है 15 ग्राम्स ऑफ नट्स। 15 ग्राम नट्स में आप आलमंड, वॉलनट, कैश्यू, पिस्ताशियो कुछ भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे कोशिश करो जो आप फ्रूट चूज करो वो सिट्रस फ्रूट हो, क्योंकि सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में, कंट्रोल करने में। एंड जो आप नट्स ले रहे हो उसके साथ वो बैलेंस करेगा इंसुलिन को एंड गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 मिलेगा, ताकि आपके नर्व्स एंड मसल्स अच्छे से फॉर्म हो पाए, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यू सेल फॉर्मेशन में। अब चलते हैं लंच की तरफ। लंच में डेली आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड, जिसमें आप कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, कैरेट, बीटरूट कुछ भी ले सकते हो। एंड हाँ, अगर आप अपने सैलेड में अनियंस को इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रॉ अनियन बहुत हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को एंड बीपी को कंट्रोल करने में। एंड इसके साथ डे वन में लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस एंड 200 ग्राम्स ऑफ राजमा करी। डे टू के लंच में आपको लेना है 1 बोल ऑफ बाजरा खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ बाजरा, 30 ग्राम्स ऑफ एनी दाल एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे। डे थ्री के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, 150 ग्राम ऑफ कैप्सिकम अनियन सब्जी एंड 150 ml ऑफ तुअर दाल तड़का। डे फोर के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, 150 ग्राम्स ऑफ रॉ पपाया मीन्स कच्चे पपीते की सब्जी एंड 150 ml ऑफ येलो मूंग दाल। डे फाइव के लंच में सैलेड के साथ आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस विद 200 ml ऑफ काला चना करी। डे सिक्स के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, 150 ml ऑफ तुअर दाल तड़का एंड 150 ग्राम ऑफ कैबेज यानी पत्ता गोभी की सब्जी। डे सेवन के लंच में लेना है 1 बोल ऑफ तवा पुलाव एंड वेजिटेबल रायता, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस एंड 200 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे एंड रायता बनाने के लिए आप 100 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल एंड 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड यूज करोगे। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज लंच ऑप्शन, जिसमें हमने ये ध्यान दिया कि प्रॉपर गुड अमाउंट ऑफ फाइबर भी हो, बैलेंस्ड विटामिन मिनरल्स हो, मैक्रोज हो, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। बट आपको ये ध्यान देना है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम होना चाहिए। एंड जब भी आप कोई भी पैकेज चीज़ लेते हो, वैसे तो हमें पैकेज फूड आइटम अवॉइड करना है, बट स्टिल आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ घर पे लेके आ रहे हो जो आपको यूज़ करनी है, तो उसमें आप हमेशा ध्यान दो कि उसमें सोडियम का कंटेंट कितना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे एंड ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करता है। जो आइडियली हमारा डेली सोडियम इंटेक होना चाहिए वो 2300 टू 2500 मिलीग्राम होना चाहिए, एंड अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप 1500 टू 2000 mg मेंटेन कर सकते हो। अगर हम कोई भी चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट या मैगी में जो मसाला होता है हम वही यूज़ करते हैं, तो अगर आप चेक करोगे तो उसमें मोर देन 1500 mg सोडियम प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपने एक स्मॉल मैगी का पैकेट भी कंज्यूम किया है, विच मीन्स आपने अपने मैक्सिमम सोडियम का इंटेक खत्म कर लिया, विच मीन्स कि आपको पूरा दिन फीका खाना खाना पड़ेगा या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी जिसमें नेचुरल सोडियम अवेलेबल होता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी चीज़ पिक ना करो जिससे आपका सोडियम का इंटेक बढ़ता जाए एंड वो वेट गेन को भी लीड करता है, ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करता है एंड बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है एंड उसके साथ कोई और कंसर्न्स या हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यूजुअली अगर ब्लड प्रेशर हो तो किडनी और हार्ट पे सबसे पहले इफेक्ट करता है एंड फिर धीरे धीरे हमें अपने डेली सोडियम पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपको भी अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो आई एम वाओ के कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट, आपके हेल्थ, रीजन, सीजन के अकॉर्डिंग डाइट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अभी ब्लड प्रेशर के डाइट में आपको बता रही हूँ कि हमें डेली सोडियम का इंटेक इतना रखना है, तो वैसे ही आपके हेल्थ कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए हम डाइट प्लान करते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ चैट कर सकते हैं। आई एम वाओ की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जिसको क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ। इवनिंग स्नैक में आपको लेना है 1 बोल ऑफ फॉक्सनट भेल, मतलब मखाने की चाट, जिसको बनाने के लिए आप 20 ग्राम्स ऑफ फॉक्सनट यूज करोगे एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, कैरेट, बीटरूट एंड इसमें फ्लेवर देने के लिए आप सॉल्ट, पेपर एंड लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर के डे वन में लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विद 200 ग्राम्स ऑफ लौकी की सब्जी। डे टू के डिनर में आपको लेना है 3 मीडियम पीस ऑफ हरा भरा कबाब एंड 1 बोल ऑफ टोमेटो सूप।
हरा भरा कबाब बनाने के लिए आप 30 ग्राम ऑफ बेसन फॉर बाइंडिंग यूज करोगे एंड 200 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड प्रेफर करोगे आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच बीन्स पीज आप ये सारी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो। डे 3 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ ओट्स चीला। उसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम ऑफ ओट्स एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे एंड इसके साथ सर्व करना है 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। डे 4 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 200 ग्राम्स ऑफ ब्रिंजल की सब्जी। डे 5 के डिनर में आपको लेना है पनीर रैप, जिसको बनाने के लिए आप 1 मल्टीग्रेन रोटी, 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड 50 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड इसके बेस में आप यूज करोगे 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। डे 6 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मसाला खिचड़ी। इसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ राइस, 30 ग्राम्स ऑफ दाल एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। डे 7 के डिनर में आपको लेना है 3 मीडियम पीस ऑफ मूंग दाल टिक्की एंड 1 बोल ऑफ वेजिटेबल सूप। मूंग दाल टिक्की बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, 20 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। तो ये थे हमारे ऑल 7 डे डिनर ऑप्शन, जिसमें हमने कोशिश की कि प्रॉपर होम बेस्ड हो, हेल्दी हो, इंटरेस्टिंग हो और एक सही तरीके में बैलेंस्ड हो। हमें इसमें कोई भी ऐसी चीज ऐड नहीं करनी है जिसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज्यादा हो या हम एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करें या कोई भी ऐसी प्रिजर्वेटिव चीज ले लाइक चीज हो गया या प्रिजर्व्ड मिल्क या ऐसा क्रीम जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम का कंटेंट होता है। हमें यहाँ पे पूरे दिन भर में अपने सोडियम के इंटेक पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। क्या आपको पता है ब्लड प्रेशर कैल्शियम की वजह से भी डिस्टर्ब होता है? अगर आपका कैल्शियम का लेवल लो है तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कैल्शियम भी एक राइट अमाउंट में हो। तो यूजुअली क्या होता है, अगर सडन ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो कैल्शियम की वजह से है, तो आप कैल्शियम का सोर्स बढ़ा दो, धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लगेगा। एंड अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए आप एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बना सकते हो, जिसमें सॉल्ट या जागरी या हनी यूज करोगे एंड हाफ लेमन यूज करोगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, जिससे आपकी बॉडी में इजीली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है। यहीं पे अगर बीपी हाई होता है तो वहाँ पे आप कोई भी पोटेशियम रिच फूड आइटम यूज कर सकते हो, जिससे वापस से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा एंड बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे बनाना एंड कोकोनट वाटर आप बेस्ट सोर्सेज जो आप इजीली कभी भी कैरी भी कर सकते हो और अपने घर पे स्टॉक भी रख सकते हो, ताकि आपका जब भी बीपी हाई हो रहा आप उसको इजीली मेंटेन कर लो। तो अब सोने से पहले लेना है 1 ग्लास ऑफ जीरा वाटर, जिसको बनाने के लिए आप 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा यूज करोगे। 300 ml वाटर में इसको अच्छे से 5 to 10 मिनट्स तक बॉइल करना है एंड स्ट्रेन करके सर्व करना है। आई होप आज का डाइट प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम आप किस टाइप का डाइट प्लान देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाव नाउ एंड फॉरएवर।